वेलकम टू माय चैनल इंडिया गार्डनिंग। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको पूरी साल फ्लावर देते रहेंगे और आपके घर पर लगे रहेंगे। और दोस्तों इनकी केयर करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है और ये इजी टू ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे पास काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और दोस्तों ये वही फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि पूरी समर फ्लावर देते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके इन सभी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताती हूँ कि ये कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं। दोस्तों ये है अडेनियम का फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत, ये आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का है और ये बॉन्साई की कैटेगरी में भी आता है। दोस्तों इसके अंदर समर में ही फ्लावर आते हैं, तो अभी विंटर खत्म होने वाली है और समर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी वर्ड्स इसकी बन चुकी हैं और कुछ तो फ्लावर खिल चुके हैं। तो ये समर के टाइम पर बहुत ही हेल्दी रहता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों आप इस प्लांट को समर में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। और इसी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है कैलेंचो का प्लांट है और ये भी समर के टाइम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे फूल इसके अंदर आते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और इसकी केयर करना भी मुश्किल नहीं होता है और ये इजी टू ग्रो हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा समर के टाइम पे पानी का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। अगर दोस्तों आपके घर पर कैलेंचो नहीं है तो आप उसे लगा सकते हैं क्योंकि समर आ गई है। और ये है दोस्तों बटन रोज, रोज कोई सा भी हो ये पूरी साल भर आपको फूल देता रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास है बटन रोज, मेरे पास रोज के काफी सारे प्लांट हैं, मैंने आपको ये बताने के लिए सिर्फ ये एक ही रखा है और काफी सारे प्लांट्स मैं आपको अपनी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कौन कौन से रोज हैं। समर में बटन रोज को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके घर पर नहीं लगा है तो आप इसे लगा सकते हैं। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बाकी ये पूरी गर्मियों भर आपको अच्छे सुंदर सुंदर फूल देता रहता है। और दोस्तों इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है बेबी सन रोज, आप देख रहे होंगे इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से फूल आते हैं, इस टाइप के सन रोज इसे कहते हैं और इसमें छोटा सा फूल आता है और ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और ये थोड़े ही दिन में हैंगिंग बास्केट पूरी अच्छी तरीके से भर जाएगी और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आने लगेंगे। और एक और वैरायटी है बेबी सन रोज की, आप देख रहे होंगे ये रखी है, ये थोड़ी लाइट ग्रीन लीव्स होती हैं और इसमें भी ऐसे ही फूल आते हैं। इसी के आगे अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है ये मैरीगोल्ड का प्लांट, ये काफ़ी कॉमन प्लांट है और इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक है सीजनल वाली और एक है समर वैरायटी जो पूरी साल तक जिसमें फूल लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये समर में लगने वाला मैरीगोल्ड है क्योंकि समर के लिए एक अलग मैरीगोल्ड आता है, तो ये वही वाला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें एक ये वर्ड्स बन के आ रही है, ये समर का मैरीगोल्ड है। तो ये अभी से आप देख सकते हैं अच्छे से फ्लावरिंग करना इसने शुरू कर दिया है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो दोस्तों आप मैरीगोल्ड को भी आपके घर पर लगा सकते हैं। और इसी के आगे हम देखते हैं बोगनवेलिया को, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों मेरे पास दो बोगनवेलिया हैं। बोगनवेलिया एक हार्डी प्लांट है, अगर आप बोगनवेलिया में 4-5 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो भी ये अपने आप को अच्छे से रखता है और फ्लावरिंग करता रहता है। बोगनवेलिया में काफ़ी सारे कलर आते हैं, यहाँ पर मेरे पास दो ही कलर है, एक है वाइट कलर और एक है पिंक कलर। तो दोस्तों आप कोई सा भी कलर आपके घर पर लगा सकते हैं और इसे दोस्तों कटिंग से भी लगाया
जा सकता है और ये काफी खूबसूरत लगता है। और इसी के आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है पेरीविंकल, जिसे विंका और सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और ये भी समर के टाइम पर अच्छी फ्लावरिंग करता है, सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट है। तो आप देख रहे होंगे अभी विंटर का सीजन चल रहा था इसलिए ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, अब समर का टाइम आने वाला है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये लाइट पिंक कलर है और एक ये है व्हाइट कलर, इसमें भी काफी सारे कलर आते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कलर आपके घर पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साइड में आप देख रहे होंगे ये है बेगम बहार, बेगम बहार काफी खूबसूरत प्लांट है, आप देख सकते हैं काफी हेल्दी प्लांट है और इसमें बहुत सारी वर्ड्स आ रही हैं और कुछ यहाँ पे फ्लावर खिले हुए हैं। दोस्तों बेगम बहार ऐसा पौधा है जो पूरी साल फ्लावर देता रहता है और काफी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी वर्ड्स आ रही हैं, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है और अभी समर स्टार्ट होने वाली है तो ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और दोस्तों बेगम बहार भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो हो जाता है, आप इसे लगा सकते हैं आपके घर पर, बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप इसे किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साइड में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी समर लविंग प्लांट है, इसे आप जितना धूप में रखेंगे ये उतना ही फ्लावरिंग करेगा और बहुत हेल्दी बना रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मैंने पोट में लगाया हुआ है हिबिस्कस का प्लांट और इसमें फ्लावर तो आ ही रहे हैं और इसी के साथ साथ में ये वर्ड्स भी आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके मेरे पास तीन कलर हैं, ये एक ऑरेंज कलर है और इसी के साइड में है ये है रेड कलर, ये डबल पेटल वाला हिबिस्कस है और काफी खूबसूरत फ्लावर आता है इसका और ये इस गमले में लगे होने के बावजूद भी ये इतना अच्छा हेल्दी प्लांट है। और इसी के आगे आप देख रहे होंगे ये है पिंक कलर का हिबिस्कस है, ये भी काफी हेल्दी प्लांट है और इसे भी मैंने गमले में लगाया हुआ है और ये तीनों ही काफी अच्छे लग चुके हैं और ये बहुत ही हेल्दी प्लांट बन रहे हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप इन सभी फ्लावरिंग प्लांट को आप समर के टाइम पर लगा सकते हैं और काफी सारे फ्लावर आप पा सकते हैं। और इसी के आगे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इम्पेशन का फ्लावरिंग प्लांट है, दोस्तों इसे भी समर के टाइम पर लगा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है, बट दोस्तों इसको थोड़ा सा शेड में रखना पड़ता है, अगर आप इम्पेशन को ज्यादा धूप में रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप इम्पेशन को थोड़ी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफी सारे सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके फूल में से काफी अच्छी खुशबू आती है, दोस्तों ये है मोगरे का प्लांट है जिसे जैस्मीन भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं ये अभी छोटा है, मैंने अभी अभी इसे लगाया है, मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी, इसमें वर्ड्स आने लगी है और ये थोड़े ही दिन में इसका फूल खिल जाएगा। दोस्तों इसे भी आप समर के टाइम पर आपके गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसके फूल में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। दोस्तों ये एक और है सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं पता है तो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों इसे भी धूप बहुत ज्यादा पसंद होती है और ये धूप मिले तभी ये खिलता है और काफी खूबसूरत लगता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने अच्छे इसमें फूल आते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके साथ काफी सारे सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट शेयर किए हैं। दोस्तों इन प्लांट्स को लगाना कोई मुश्किल नहीं होता है, ये बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाते हैं, तो दोस्तों आप इन सभी प्लांट्स को आपके घर पर लगा सकते हैं, इनमें कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस दोस्तों आपको इनमें गर्मियों के टाइम पे पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बस एक वही रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।